गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 साइंस. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, नाउ वन क्वेश्चन मस्ट कम योर माइंड दैट इफ देयर आर इफ यू मेजर डिफरेंट थिंग्स देन देयर आर एरर मस्ट कम अकर्स, देन इज एनी मेथड्स और टेक्निक by which you can combine these errors and finally you can get the results. So if you we do an experiment involving several measurements, you must know how the errors in all the measurements combined. For example, density is obtained by dividing mass by volume. आप लोग जानते हैं d equal to क्या होता है m by v. If you have error in the measurement of mass or density and any things of the size or dimensions, you must know that the error will be in the density of the substance. To make such estimates, we should learn error combined in various mathematical operations. Generally, there are four mathematical operations: addition, subtraction, multiplication, division. Right? और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं सम थिंग्स. ओके, तो हियर वी डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर रिगार्डिंग एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन प्रोडक्ट. एरर व्हेन ए क्वांटिटी इज रेज्ड टू ए पावर टू पावर एक्स, एरर इन कोशिएंट डिवीजन. राइट, सो वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट दैट. So suppose let x is any physical quantity, right, where equal to मान सकते हो आप a plus b, x equal to a plus b, where a and b be two observed quantities and absolute error in these quantity be delta a and delta b. इसके रिस्पेक्ट में आ गया delta a और इसमें आ गया delta b, right? कोई any quantity x equal to a plus b have absolute error delta A and delta B. Then we have x plus delta A, delta x equal to what? यहाँ पे क्या है, अगर ये error A में है और B में है तो जब combine करेंगे तो जो बड़ा result होगा उसमें भी क्या होगा, कोई कुछ ना कुछ error होगा, है ना. That error may be represented by delta x. So x equal to delta x, x plus delta x equal to what? A plus delta A. अब हो सकता है ये प्लस भी हो या माइनस भी हो, राइट, ज्यादा पढ़ लिए हो या कम पढ़ लिए हो. तो डेल्टा ए इक्वल हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और अगर यहां प्लस है यहां प्लस होगा, अगर यहां माइनस यहां भी माइनस लगा सकते हो, बंद कर देंगे ब्रैकेट में समझने के लिए. फिर प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, राइट, डेल्टा इज एब्सोल्यूट एरर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑब्जर्वेशन बी और मेजरमेंट बी. सो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब ए और बी को तो साथ ले सकते हो, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, और एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब ए प्लस बी को क्या मानेंगे, एक्स माने, एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी. अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कंपेयर करोगे तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, तो नो डाउट यू कैन गेट प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. अब हम अगर यहां पे बात करें तो मैक्सिमम जो आपका एरर आएगा वो कब आएगा, किस केस में आएगा, ध्यान देने वाली बात है. अगर हम प्लस लेंगे प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और हम दोनों को ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम आएगा एरर, और अगर हम माइनस ले लेते हैं इधर भी माइनस ले लेते हैं दोनों एरर में, तो यहां भी जो हमारा डेल्टा एक्स माइनस में आएगा
लेकिन वो अभी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू ही निकाला जाता है और ज़्यादातर क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू ही पूछता है, वैसे कैसे में आप लिख सकते हो बाय कंपेरिजन क्या हुआ कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट। ये आपका हो गया एरर इन सम। लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे, ये है क्या, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम एरर, फॉर मैक्सिमम एरर। अगर इसी में कहीं पर मान लो होता ये प्लस होता, ये माइनस होता, फिर ये माइनस होता, ये प्लस होता, वैसे केसेज में वैल्यू अलग अलग होगा लेकिन जुटेगा उसी तरह से। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस इन एरर, राइट, एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस, राइट। उसी तरह मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू ए माइनस बी, वो है वैल्यू, हमने कहा दो एरर, दो डायमेंशन लिया, मेजरमेंट लिया, उसमें हम डिफरेंस निकाल रहे हैं एरर का, राइट। तो आप यहाँ भी आप लिख सकते हो वेयर ए एंड बी वी टू ऑब्जर्व क्वांटिटी हैविंग एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एंड डेल्टा बी रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट यू कैन गेट। यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं इस तरह से, देखो x प्लस माइनस डेल्टा x। अब यहाँ को ऐसा क्यों लिखे, है ना, माइनस क्यों लिखे, तो हम ये तो निकाल रहे हैं कि एरर जो हमारा आएगा डिफरेंस वो कितना आएगा। हम लिख दिया x प्लस माइनस डेल्टा x, प्लस माइनस डेल्टा x का मीनिंग ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि जो एरर है ना वो कितना है। अगर मान लो पॉजिटिव आएगा तो प्लस डेल्टा x, अगर निगेटिव आएगा तो माइनस डेल्टा x। तो कुछ बच्चे के मन में ये भी आ सकता है, सर यहाँ पर माइनस लिखते हैं यहाँ पर प्लस लिखते, ऐसा नहीं, हम एरर निकाल रहे हैं डिफरेंस इन एरर। और यहाँ पे देखो आपको समझ में आ जाएगा, इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस माइनस यहाँ भी, और फिर माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ डेल्टा बी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे माइनस साइन था माइनस लगा दिया, तो जो वो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाना चाहिए। अब इक्वल टू देखो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ चलते हैं, तो ए माइनस बी तो होगा कोई डाउट नहीं, ए माइनस बी, और तो यहाँ जो साइन रहने देते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहाँ चूंकि साइन माइनस है इसका साइन हो जाएगा माइनस और इसका साइन हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी, राइट। और यहाँ हो गया आपका, इधर लिख देते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ओके, अब इसको फिर क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा x इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी इक्वल टू क्या x है, x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। ओके, अब अगर हम इसको फिर कंपेयर करेंगे तो x x तो कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से कैंसिल हो गया, अब क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब आपको फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि आप मैक्सिमम क्या होगा, राइट। तो मैक्सिमम के केस में हमें इसको देखना होगा कि देयर फॉर द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इन डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटीज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी, राइट। Therefore, the maximum absolute error in the difference of the two quantities is equal to sum of the absolute error in individual quantity. अब sum का क्या मतलब हुआ, ये सोचिए, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। अगर हम मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम एरर इन द केस ऑफ डिफरेंस, तो क्या होगा, आप देखिएगा प्लस लेते हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स, प्लस पॉजिटिव में ले लेते हैं, यहाँ पर भी प्लस ही लेना पड़ेगा डेल्टा ए, और फिर यहाँ प्लस लेना पड़ेगा डेल्टा बी, क्यों, क्योंकि एरर है, निगेटिव को भी हमको बनाना है पॉजिटिव में, राइट। और निगेटिव अगर यहाँ निगेटिव यहाँ भी हम लोग निगेटिव ले लेंगे तो मैक्सिमम एरर हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एरर डिफरेंस में, इसीलिए रूल है, नोट में हम लिख दिए हैं, हैज द रूल
the quantity are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantities, right? यहाँ पर error maximum कब होगा? जब जो भी error हमने निकाला है negative या positive, है ना, हमेशा हम positive को जोड़ेंगे। तो भले ये error difference है, लेकिन difference in error में भी अगर हम maximum error निकालना चाहेंगे उस केस में भी क्या होगा, दोनों एरर का जो मैग्नीट्यूड है वह ऐड होगा, ऐसा नहीं कि माइनस हो जाएगा, राइट। तरीका भले आपको मैंने बता दिया इस तरह से होगा, ओके। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एरर इन प्रोडक्ट। तो फिर आप मान लें जेड इक्वल टू ए बी, राइट, वेयर अब इफ द एरर इन ए एंड बी इज प्लस माइनस डेल्टा है ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, देन द एरर इन कॉम्बिनेशन विल कम इन सच ए वे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस ए प्लस माइनस डेल्टा ए ब्रैकेट बंद इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके। और देखिए और इसको सिंपली हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते से कर देंगे, पर ए से करेंगे इसको, ए ब्रैकेट में लिख देंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी। चलिए अब क्या हो गया ए इंटू बी ए बी, यहां देखिए प्लस माइनस साइन हो जाएगा, प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर यहां से हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी कर सकते हो, प्लस माइनस डेल्टा बी कर सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं। फिर आप यहां देखिए साइन सेम है तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू चलो प्लस माइनस डेल्टा बी लिख देते हैं, यहां चलते लिखते जाइए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो फिर क्या आएगा देखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ये आ जाएगा जेड, ए बी इक्वल टू है इसको रहने दीजिए प्लस माइनस ए डेल्टा बी, और फिर प्लस माइनस यहाँ बी लिख देते हैं बी इंटू डेल्टा ए, और ये देखिए ये जो टर्म है आपका बहुत स्मॉल है, स्मॉलर टर्म्स, राइट, डेल्टा डेल्टा स्मॉलर है, इसका प्रोडक्ट और स्मॉल हो जाएगा, तो दैट कैन बी इग्नोर, इसको इग्नोर कर सकते हैं, राइट, इग्नोर कर दिया तो फाइनली हमारा क्या आया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। और हम लोग क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स बाय जेड, तो क्या मिलेगा तुम यहां से देखो जेड से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा जेड बाय जेड वन, वन प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू यहां भी आ जाएगा वन प्लस माइनस ए डेल्टा पर ए डेल्टा बी बाय जेड, फिर प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाय जेड, ओके। अब इसका फिर वैल्यू रख दो डेल्टा जेड बाय जेड रहने दो, वन प्लस माइनस और ए डेल्टा बी और जेड का वैल्यू है ए बी कर दिया, फिर प्लस माइनस बी डेल्टा ए जेड का वैल्यू है ए बी, यहां से देखो बी टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहां ए टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या मिला वन प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, ओके। तो डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, राइट, इसको अगर आप अरेंज करोगे ऐसे लिख सकते हो वन प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, याद के लिए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, ओके। और देखिए वन यहाँ कैंसिल हो जाएगा कंपेयर करोगे तो फाइनली क्या मिला डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, या अगर प्लस माइनस यहाँ भी है
अब हटा दोगे साइन, हट सकता है साइन, तो डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए और प्लस डेल्टा बी बाय बी। अगर माइनस लेंगे माइनस लगा देंगे, तो दोनों केसेज में क्या जुटेगा ही, अगर यहाँ प्लस लेंगे तो सब प्लस लेंगे, अगर माइनस लेंगे सब माइनस लेंगे। तो अब फाइनली आपको क्या आ गया, यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होता है तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इक्वल टू हो जाएगा इन जेड, इन जेड इक्वल टू हो जाएगा यानी डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, राइट। अगर आप लगाना चाहते हो यहाँ लगा सकते हो, प्लस माइनस यहाँ भी, प्लस माइनस यहाँ भी, प्लस माइनस यहाँ भी, से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इट मीन्स दैट, तो अब इसके बाद हम आपको बताएंगे हम ये एरर इन ए क्वांटिटी इज रेज टू द पावर ई। ओके, इसको हम अभी आपको बताएंगे। डी डी में हम फिर मान के चलते हैं कि मान लो कोई क्वांटिटी है लेट एक्स, एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन, राइट। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू ए इंटू ए डॉट डॉट डॉट, हाँ कहाँ तक, एन टाइम्स, एन टाइम्स। ओके, अब उसको अगर हम लोग प्रोडक्ट से तुलना कर, प्रोडक्ट बताया इसलिए मैंने पहले प्रोडक्ट को डिस्कस किया, उसके तरह से अगर इसको लिखना चाहो क्या आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा बोलो, हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा फिर ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए, राइट, अप टू व्हाट, एन टाइम्स। अब फिर आप आगे बढ़ते हैं, डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टाइम्स, तो डेल्टा ए बाय डेल्टा एन, एन टाइम्स एन इंटू डेल्टा ए बाय ई, राइट। इट मीन्स दैट द रिलेटिव एरर इन ए क्वांटिटी रेज टू पावर एन इज एन टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द क्वांटिटी, मतलब वो क्या होता है, वो इंटू में आ जाता है, जितना पावर वो आ जाता है इंटू में, ठीक है। तो इन जनरल आप लिख सकते हो, इन जनरल क्या मिला आपको, इफ इफ के इक्वल टू या एक्स, एक्स इक्वल टू ऐसे लिख दो, इफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एम, सी टू द पावर एन एम एल डॉट डॉट डॉट, राइट, देन व्हाट, देन डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा इंटू में एन इंटू डेल्टा ए बाय ए फिर इंटू, तो प्लस कर देंगे जोड़ देंगे या जुटा ना, प्लस एम इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस एल इंटू डेल्टा सी बाय सी, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर पावर में होगा तो क्या करना है, सिंपली उसके पावर को क्या करना है कोफिशियंट में लिख लेना है और सब में ऐड कर देना है। ये आप याद रखें, ये ज़्यादा वैल्यू जो है वो मैक्सिमम एरर के लिए है ना। ओके, अब लास्ट है उसको मैं बता दूंगा, उसके बाद ये एरर का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद है एरर इन द क्वेश्चन, ये लास्ट आपका एरर इन द क्वेश्चन, उसको मैंने बाद में इसीलिए लिखा, इधर सब समझ जाएगा तो आसान होगा। ई में हो गया एरर इन ए क्वेश्चन, राइट। इसमें क्या मानेंगे, लेट मान लो लेट एक्स इक्वल टू ए बाय बी, एक्चुअली डिवीजन वाला हो गया है ना, राइट। आप देखो इसको क्या ले सकते हो, एक्स इक्वल टू ए बी टू पावर माइनस वन, वेरी सिंपल। ओके, फिर अगर निकालोगे डेल्टा एक्स बाय एक्स रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
डेल्टा ए बाय ए और प्लस ये देखो ये क्या आएगा, इसको आना चाहिए इंटू, आना चाहिए इंटू में, तो माइनस वन लिख सकते हो यहाँ पे माइनस वन और डेल्टा बी बाय बी। लेकिन जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो फिर ये क्या आएगा, इसका भी साइन हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर हो जाएगा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस नॉट माइनस राइट डेल्टा बी बाय बी। अब अगर किसी के मन में हो कि नहीं सर पावर यहाँ स्क्वायर रहता तब क्या होता, यहाँ पावर टू हो जाता और वही प्लस में होता। इट मीन्स दैट द रिलेटिव एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ एरर एंड कॉम्बिनेशन इन एरर्स। फिर आगे हम अगला आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जहाँ वीडियो का आवश्यकता हम देखेंगे। इसका फायदा ये हुआ होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स कि आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, उनका प्रॉब्लम भी आता है। आप जहाँ भी चाहोगे जिस समय चाहोगे उस समय वीडियो को अप्लाई कर लोगे, आप अपने को यादाश्त को कर सकते, रिकॉल कर सकते, रिमेंबर कर सकते उसको सुन करके और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ओके थैंक यू ऑल ऑफ।